बल की तैनाती है। और अब आपको सीधे अब शाहजहांपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मंत्री सुरेश खन्ना उनके साथ अभी मौजूद है। निखिल, ओवर टू यू। बिल्कुल, सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं इस समय। दो बार से सर उत्तर प्रदेश सरकार आप बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बना रहे हैं, इस बार अपने जिलाए में जो नगर निगम है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आजादी के बाद ये पहला मौका है जब शाहजहांपुर नगर निगम बना है। नगर निगम बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है मेयर का और पार्षदों का। जो माहौल है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से शाहजहांपुर में जीतने जा रही है। और ये आम चर्चा है, आप क्योंकि यहां से बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। इस बार जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ आ गए, बहुत ऐन मौके पर आपने पूरा तख्त कहे तो पलट दिया और यहां की राजनीति शुरू कर। देखिए, राजनीति में ये कोई बहुत अप्रत्याशित बात नहीं है। आदमी अपने विवेक से, अपने विचारों के हिसाब से जहां अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है वहां रहता है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से नीतियों और कार्यक्रमों के आधार के ऊपर ही चलती है। कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हर तरह से जो जनकल्याण कहा जाता है वो जनकल्याण जन जमीन पर उतारा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। आज लोग, देश और दुनिया के लोग बीजेपी की तरफ देखते हैं। हमारा शानदार नेतृत्व है जो पूरी तरीके से देश और समाज के लिए समर्पित है। और ऐसे ही लोग देश को बनाते हैं, देश की तरक्की के सबसे बड़े वाहक बनते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम, और गर्व भी है कि हमारे मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य ये केवल ये है कि सुशासन और विकास, और हर तरह से सुशासन और विकास के आधार पर ही दोबारा जो है सत्ता में आई 37 वर्ष के बाद। और निश्चित रूप से जो सजित्य नगर निगम है, सारे निगमों में हम जीतने जा रहे हैं, सभी नगर निगम। और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी में आप अकेले थे और हम लोग सदन में मिलते थे। आज का दौर, अगर हम कहें विधानसभा में कब्जा, लोकसभा में कब्जा, अब निकाय चुनाव, उत्तर प्रदेश प्रोग्रेसिव स्टेट है और भारतीय जनता पार्टी ने भी जनता का विश्वास अर्जित किया है अपने काम के बल पर, कानून व्यवस्था के बल पर। सुरेश खन्ना जी जो हैं, जो हमको बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी तरह से इस नगर जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है शाहजहांपुर में, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। चूंकि जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी वो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से ठीक एन वक्त पहले शामिल हो गई थी, तो ऐसे में अब जो दावा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यहां पर कि इस बार ये सीट उनके कब्जे में होगी। बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है, जब तक ये नगर निकाय रहा, इस बार नगर पालिका इसे घोषित किया गया, और यही वजह है कि पार्टी ने पूरी इमेज जो है, अपनी पूरी शाख इस सीट पर दांव पर लगा रखी है। बिल्कुल, कई वर्षों से नगर पालिका रहा है और अब नगर निगम के लिए यहां पर चुनाव होता हुआ नजर आएगा, वहां का मेयर चुना जाएगा। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निखिल, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता को जानकारी दे रहे हैं, वो आपको पहले दिखाते हैं। आज नगर निकाय चुनाव है जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस है और जो आला अधिकारी है वो पूरी तरह चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो, यहाँ जो पुलिस फोर्स है वो काफी मात्रा में जो यहाँ लगाई गई है, जो जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। निकाय चुनाव गौतम बुद्ध नगर में 5 नगर पंचायत, 1 नगर पालिका में चुनाव है। दादरी नगर पालिका में तकरीबन 95,000 वोटर हैं। जेवर नगर पंचायत में सबसे बड़ी नगर पंचायत है, तकरीबन 27,000 वोटर हैं। कुल मिलाकर 1,69,000 कुल वोटर करेंगे मतदान। 23 जगह जो स्वदेशी सर्विस केंद्रों पर विशेष नजर बनाए रखेंगे, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी और वहीं सुरक्षा के निरीक्षण देखा जाए। आला अधिकारी सड़कों पर हैं, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। ग्रेटर नोएडा से तरुण भरणा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।
अमित चौधरी हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं और बरेली से अमित हमारे साथ कनेक्ट हो रखे हैं। आपको सीधे बरेली लिए चलते हैं। अमित आपके पास आएंगे, बरेली के बारे में जरा थोड़ा वहां का समीकरण समझाइए कि किस तरीके से वहां पर मतदान किया जाता है, जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे लोगों के जहन में स्थानीय मुद्दे होते भी हैं या फिर जो प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं उसको जहन में लेकर वो वोट कास्ट करते हुए नजर आते हैं, और वहां की जो तस्वीरें अभी है वो भी जरा दिखाइएगा। अमित के साथ दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अयोध्या आपको सीधे लिए चलते हैं जहां से अखंड हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। और ये तस्वीरें पहले आप देखिए, मंत्री सुरेश खन्ना वोट कास्ट करने के लिए अब पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और वहां से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर पहली बार महापौर के पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। नगर पालिका का पहले यहां पर चुनाव हुआ करता था, लेकिन अब यहां का मेयर चुना जाएगा। और मंत्री सुरेश खन्ना की ये सीधी तस्वीरें पोलिंग बूथ से आप देख रहे हैं, जहां पर वोट कास्ट करने के लिए मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे हुए हैं और जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत वो वोट कास्ट करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर नगर निगम में पहली बार महापौर पद के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने नामांकन के अंतिम दिन ही एक दिन पहले सपा के महापौर प्रत्याशी अर्चना वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। एक बड़ा सियासी दाव वहां पर चला जिसको लेकर अब बीजेपी भी कॉन्फिडेंट कि वहां पर उनका मेयर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ऐसे में देखिए, समाजवादी पार्टी ने माला राठौर और बीएसपी ने शगुफ्ता अंजुम और कांग्रेस ने निकट इकबाल पर दाव लगाया है। नगर पालिका की सीट के रहते हुए शाहजहांपुर में सपा दो दशक से लगातार कब्जा जमाती रही है, लेकिन इस बार उसे अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। और उसी के तहत सभी पार्टियों ने वहां पर काफी तेजी के साथ चुनाव प्रचार किया है। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ की, ये तस्वीरें शाहजहांपुर की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री सुरेश खन्ना अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चार मिनट का और वक्त रह गया है और 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो आम जनता के लिए भी शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हुए जनता नजर आएगी। मंत्री सुरेश खन्ना की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ठीक इसी तरीके से ट्वीट किया था और उन्होंने जनता से अपील की थी कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाने में सहभागी बनते हुए नजर आए। तो नगर का नायक कौन होगा, खैर इसका फैसला तो 13 मई को होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन ये दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव आज हो रहा है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट पर महाकवरेज आप देख रहे हैं। लोकतंत्र के इस उत्सव की हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट पर आप लगातार देखते रहिए और बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।